देखिए, मेरा बैकग्राउंड बहुत कुछ रहा है। मैं ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि रामदेव का बेटा है, लेकिन उससे ज़्यादा हमको लगता है कि उनके विचारों को जो मैंने सीखा और प्रयासरत रहा कि उनके विचार जो भी रहे अपने व्यक्तिगत स्तर पर और जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटी है उसको फैलाया जाए, तो उस हिसाब से अपने आप को देखता हूँ। आशु पार्टी आगे कैसे काम करेंगे वो तो हमको लगता है कि बाद में एक बार मिल के बैठ के बात करेंगे सबसे, लेकिन ज्वाइन करने के पीछे जो मकसद रहा, जो पार्टी का जो एक विजन है, देखिए जितने भी हम लोग बात करते हैं हक का अधिकार का, ऑन पेपर सब मौजूद है। जो झारखंड में सबसे बड़ा जो कमी रहा है वो लीडरशिप का है कमी, और लीडरशिप को ही सेंटर में रखकर आजसू पार्टी आने वाले दिनों में काम करेगी, और हमको लगता है कि उसी के जरिए जब हम लोग के बीच जो पक्के लीडर्स मिलेंगे उन्हीं के जरिए हमको लगता है कि सारा जो समाधान है हमारा वो हम लोग कर सकते हैं। तो भविष्य का जो पार्टी है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी, मोस्ट प्रोबेबली लीडरशिप के अराउंड ही सेंटर्ड रहेगा। तो ये बताइए कि आपने जो पढ़ाई की है, जी जी, पढ़ाई इतर है और राजनीति का क्षेत्र इतर है, ये नहीं लगा कि ज़्यादा उस पढ़ाई की ज़रूरत है समाज को? देखिए, अल्टीमेटली जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो समाज के भलाई के लिए करते हैं। अब ऐसा बोलिएगा तो उधर देश के जब आज़ाद हो रहा था, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, गांधी जी सब तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे वो लोग अपना काम उधर इंग्लैंड में निपटा रहा है, घूम फिर के वो लोग देश आए। मेरे पिताजी भी वही किए, ऐसा नहीं कि पढ़ लिख लिए तो एक तो होता है कि आपको एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, आप मज़े ले रहे अपने पर्सनल लाइफ का, तो एक आपकी जवाबदेही बनती है समाज के प्रति। और घूम फिर के जो हम पढ़ रहे हैं, जो सरकार पढ़ा रही है हमें, देखा जाए तो जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है सब सरकार पढ़ा रही है, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम लोग घूम के समाज के लिए कुछ करें, ना कि अपने निजी काम के लिए कुछ करें। मतलब तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कि पढ़ाई और राजनीति अलग अलग नहीं है, एक ही है। अल्टीमेटली हम लोग को समाज को फायदा पहुंचाना है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। एक चीज़ देखा जाता है कि जिस तरीके से देश में युवाओं की संख्या है, पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, चाहे वर्तमान सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, युवा सड़क पे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। आप जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए तो इस दिशा में आपको किस कैसा देख रहे हैं इनको? देखिए, जो बेरोजगारी की समस्या है वो एक तो है कि देश में बहुत व्यापी है, अगर ट्रेंड देखें तो विदेशों का भी कुछ बढ़िया हाल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं हम लोग जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, राज्य के लेवल में भी और देश के लेवल में भी। स्ट्रेटेजी तो बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स डेटा लाना पड़ेगा, फिर हमको लगता है एक फॉर्मुलेशन कर सकते हैं कि इन इन क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, झारखंड में टूरिज्म का सेक्टर है बहुत बड़ा, ना के बराबर काम हुआ है। उसके बदले आप देखिए उत्तराखंड, मतलब आप खुद घूमने जाइएगा, देहरादून जाइएगा, तो आपको खुद ब खुद देखने को मिला है कितना कितना इनकम जनरेट हो रहा है, कितना नौकरियां आ रही है। तो हम लोग एक सेक्टर को पकड़ कर भी स्टडी करके उसको अपना जो भी हमारे पास जो भी कैपेबिलिटी है उसको अगर हम लोग लगाएंगे तो हमको लगता है कहीं ना कहीं हम लोग उसको जो बेरोजगारी है उसको हम समाधान कर पाएंगे। उसके लिए हमको लगता है जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो बैकग्राउंड, देखिए जब तक आप लोग पढ़े लिखे लोगों को अपने पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं करिएगा, घूम फिर के आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करिएगा, तो पार्टी आजसू पार्टी इसी चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसी कारण है कि आज हम लोग बहुत सारे युवक जो लोग पढ़े लिखे हैं राज्य के बाहर के सब जगह जमा हुए हैं, और उसके बाद हम लोग इस पर काम करेंगे। एक लास्ट में आप बता दीजिए कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, पहले कई विजन उन्होंने लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने जो बोला कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, आप मुर्गी पाल लीजिए, अंडा बेच लीजिए, डीजे बजा लीजिए, इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या कि ये भी जब झारखंड में 3.5 लाख पद खाली हो तो ये रोजगार का एक ये हो सकता है क्या? देखिए, अब रोजगार करने का जो ट्रेंड है, बहुतों को नौकरियां पसंद आती है और बहुतों को है कि हम लोग को बिजनेस करना है, तो ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं मिल रही है तो बिजनेस में या फिर स्वरोजगार में कुछ बढ़िया हो रहा है, दोनों सेक्टर ही वैसे ही दबी हुई है। तो नौकरियां हैं और अगर हैं और उसको हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये हमारी गलती हो रही है, इसको सुधारना पड़ेगा। और जो स्वरोजगार की बात हो रही है उस पर भी हमको लगता है कि कुछ काम बढ़िया ढंग से हो नहीं रहा है,
दोनों क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, और अगर हम लोग को एज अ समाज ऊपर उठना है तो नौकरियां तो है उसको लेना होगा, और प्लस अपना जो स्वरोजगार है उसको भी हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक सवाल है कि आपके पिताजी कांग्रेस में थे, आपका क्या विचार हुआ कि आजसू की हो रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस है और आजसू है दोनों अलग अलग विपरीत धाराओं की राजनीति करती है। देखिए, कांग्रेस पिछले मतलब अपने जीवन के जब अंतिम 5 साल थे तब रहे वो कांग्रेस में। आजसू का जब आप देखिएगा कि आजसू का जो संविधान लिखा गया है वो कौन लिखा है, वो मेरे पिताजी ने लिखा है। तो ये प्लेटफॉर्म पिताजी ने ही बनाया था ताकि जो राज्य की जो बुद्धिजीवी है उनको एक स्पेस मिल सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिताजी ने बनाया है, आप देखिएगा तो रामदयाल जी थे, केसरी जी थे, मतलब तमाम बड़े बुद्धिजीवी लोग का प्लेटफॉर्म रहा ये। तो ऐसा कहना कि मेरे पिताजी कांग्रेस में थे कुछ समय के लिए जरूर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका उनसे उससे बड़ा उनका योगदान आजसू पार्टी में रहा है, झारखंड के क्षेत्र में रहा है।